क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला हर एक मैच किसी महामुकाबले से कम नहीं होता। क्रिकेट के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 31 जुलाई को भारत और पाकिस्तान के बीच कॉमनवेल्थ गेम्स में मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो पाकिस्तान की टीम का ऐलान भी कर दिया। अगले महीने यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 31 जुलाई को भिड़ंत होगी। इससे पहले पाकिस्तान की महिला टीम 16 से 24 जुलाई तक बेलफास्ट में T20 वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड से भिड़ेगा। दो सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 18 खिलाड़ियों का चयन किया है, जिसमें 3 रिजर्व खिलाड़ी शामिल हैं। पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम 29 जुलाई से 3 अगस्त के बीच कॉमनवेल्थ गेम्स में बारबाडोस, भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को कहा कि श्रीलंका के खिलाफ एक सफल सीरीज के बाद हमने उसी विजय संयोजन को बनाए रखने का फैसला किया है। न केवल हमारी वरिष्ठ क्रिकेटरों ने महान क्रिकेटर कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि हमारी युवा खिलाड़ी भी शानदार रहीं और जब भी टीम को उनकी आवश्यकता हुई है उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है। बिस्मा मारूफ, कप्तान एमन अनवर, आलिया रियाज, अनम अमीन, आयशा नसीम, डायना बेग, फातिमा सना, गुल फिरोजा, इरम जावेद, कायनात इम्तियाज, मुनीबा अली सिद्दीकी, निदा डार, ओमेमा सोहेल, सादिया इकबाल और तुबा हसन सभी क्रिकेट टीम में शामिल रहे। ये मैच 3 अगस्त को खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम में सारी महिलाएं शामिल होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।